Hello students, in this video we will do our chapter number 8, forces and laws of motion. In previous video we will have done our chapter force motion. In previous chapter we have studied that कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करती है दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट डजंट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस दैन डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन. ठीक है, और ये सब हम किसके रेफरेंस में देखते हैं, थ्रू अलग अलग रेफरेंसेज में देखते हैं, और जिसके भी रेफरेंस में देखते हैं दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट. हेयर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, उसकी पोजिशन पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा. वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. हमने देखा कि ऐसा मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड वट कॉजेज द मोशन. हमने अभी तक ये नहीं पता किया है कि मोशन होता कैसे, किसकी वजह से होता है. वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. Do all motions require a cause? If so, what's the nature of this cause? In this chapter, we shall make an attempt to quench all these curiosities. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चन. फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स. बहुत सेंचुरीज से मोशन और उसके जो कॉजेज है उसकी वजह से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स बहुत पजल रहे हैं. A ball on the ground, when given a small hit, does not move forever. किसी ग्राउंड के अंदर कोई बॉल है रखी हुई है, जब उसको थोड़े से आप हिट मारते हो थोड़ी सी फोर्स के साथ तो हमेशा के लिए नहीं चलती, थोड़ा सा मोशन करती है, थोड़ी सी देर तक चलती है और फिर रुक जाती है. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऐसी ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि जो रेस्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है. नेचुरल स्टेट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम कोई भी फोर्स ना दें, कुछ भी ना करें, दैन डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट विल इन रेस्ट पोजिशन, उसकी नेचुरल चीज़ है वो. दिस रिमेन द बिलीव अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड आइज़क न्यूटन डेवलप एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन. ये तब तक रहा जब तक कि गैलीलियो गैलीली एंड आइज़क न्यूटन ने अपना खुद का अप्रोच नहीं दिया, अलग अलग ट्राइज नहीं किए मोशन को समझने के लिए. हियर इज इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ एफर्ट हमें चाहिए. अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक जगह रखी है, उसको अगर हमें मोशन में लाना है, ठीक है, या फिर कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट है उसको रोकना है, डेफिनेटली वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स. वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन. हम इसको जनरली मस्कुलर एफर्ट लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें हिट करना है, पुल करना है, पुश करना है, देन डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई अवर मस्कुलर एफर्ट ऑन इट. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल. जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है इन तीन चीज़ों पे बेस है, पुश पे, पुल पे एंड हिट पे. लेट्स नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. व्हाट इज इट? इनफैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. However, we always see or feel the effect of a force. हमें हमेशा इफेक्ट फोर्स का हमें दिखता है, हम उसको फील कर सकते हैं. We can't taste it or felt it. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. ये हम सिर्फ तभी बता सकते हैं कि फोर्स क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे वो लगा हो. Pushing, hitting and pulling of objects are all ways of bringing objects in motion. जो तीन ये बताए गए हैं, पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये सारे ही तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए. दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम. वो कब मूव करते हैं? जब हम उन पर कोई फोर्स लगाते हैं. फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ा? हमें ये पढ़ा कि कोई जो फोर्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए. वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी, और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें भी पता है कि फोर्स की वजह से शेप और साइज भी चेंज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के. ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हेन यू पुल इट विद
10 newton force from here and you will put 10 newton force from here, then definitely this object will remain in rest position, stationary position. ठीक है, it means the जो force भी हमने लगाई है वो balanced है. एंड अगर इसकी जगह हम 10 की जगह यहाँ पे 100 न्यूटन लगाते हैं, पे 10 न्यूटन लगाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगी. इट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस फोर्स है. फिगर 8.3 शोज अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. इसके बाद यहाँ पे 8.3 फिगर है जिसपे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल पे. टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर टाइड टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉकेज शोन. दो साइड उस पर धागे बंधे हैं एक्स एंड वाई. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. अगर हम X की तरह force लगाएंगे, इस तरह इसको खींचेंगे, तो ये जो block है इस साइड move करेगा. ठीक है, the block begins to move to the right. Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. ऐसे ही अगर हम Y की तरफ लगाएंगे तो जो block है वो Y की तरफ move करेगा. But if the block is pulled from both the side with equal forces, the block will not move. अगर दोनों साइड से equal force लगता है, the block move नहीं करेगा. ऐसे forces को balance forces बोलते हैं and do not change the state of rest or of motion of an object. अगर वो object rest में भी है, motion में भी, जिसमें है वो उसी में रहेगी, उसके वो position को change नहीं करेगा. Now, let's consider a situation in which two opposite forces of different magnitudes pull the block. अब हम एक और सिचुएशन को कंसिडर करेंगे. दोनों साइड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमें उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है. इन दिस केस द ब्लॉक विल वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. ऐसे केस पे क्या होगा, अगर दोनों साइड से अलग अलग फोर्स लग रहा है तो उस साइड मूव करेगा जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है. दस द टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन एंड द ब्लॉक मूव्स. ये जो दो फोर्सेज हैं बैलेंस नहीं है, और ये जो दो अनबैलेंस फोर्स है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस साइड फोर्स ज़्यादा है. दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन. इसका मतलब पता चलता है कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है, बट बैलेंस फोर्स कांट मेक एन ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजिशन. हियर इज वन हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर. कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ बॉक्स को यहाँ पे पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, फ्लोर जो है रफ है. इफ दे पुश द बॉक्स विद स्मॉल फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव. अगर वो फोर्स थोड़ा लगाते हैं बॉक्स के ऊपर तो बॉक्स मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स अकॉर्डिंग अपोजिट टू द पुश. क्योंकि जिस साइड वो पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, उससे अपोजिट में एक और फोर्स लग रहा है एंड दैट इज नोन एज फ्रिक्शन. दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन तब आता है जब दो सर्फेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं. इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर्स रफ सर्फेस. इसके अंदर क्या है, वो दो सर्फेस, एक तो है बॉक्स का बॉटम और दूसरा है फ्लोर का रफ सर्फेस. इट बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव. जो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पुशिंग फोर्स को बैलेंस कर रहा है और इसलिए बॉक्स मूव नहीं कर रहा है. द चाइल्ड पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव. बच्चे ने और ज़्यादा फोर्स लगाया लेकिन बॉक्स अभी भी मूव नहीं कर रहा है. दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स. वो इसलिए क्योंकि अब भी जो उसने फोर्स लगाया पुशिंग फोर्स, वो अब भी फ्रिक्शन से कम ही लग रहा है. ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा है. इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स. दिस इज एन अनबैलेंस फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग. अब ऐसा केस आता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा देता है, अब अगर पुशिंग फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा. अनबैलेंस फोर्स मीन्स बॉक्स में मूव करने लग जाएगा. वट हैपन्स वेन वी राइड अ बाइसिकल. जब हम कोई बाइसिकल पर राइड करते हैं तो क्या होता है, वेन वी स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल बिगिन्स टू स्लो डाउन. जब हम पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो बाइसिकल स्लो डाउन हो जाती है. दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हमारे मोशन के अपोजिट काम कर रही है. इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन. अगर हमें अपनी बाइसिकल को कंटिन्यू रखना है तो हमें वापस से पेडलिंग करनी पड़ेगी. इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स. इससे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना मोशन कब मेंटेन कर सकती है, जब उस पर कॉन्टिन्यूसली अनबैलेंस फोर्स लगता है. हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकोरेक्ट. ये सही नहीं है. एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस एंड देर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट.
एक और यहाँ पे थ्योरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उस पर फोर्स लग रहे हैं, एक तो पुशिंग फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, हम पुश कर रहे हैं, दूसरा फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे. इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट If an unbalanced force is applied on the object, there will be change either in its speed or in the direction of motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगता है तो उसके मोशन में चेंज, या तो उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा या फिर उसकी स्पीड में चेंज आएगा. दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड. इसलिए किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको अगर हमें एक्सेलरेट करना है तो हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए, मतलब उसका या तो डायरेक्शन चेंज करना है, उसका स्पीड चेंज करना है, देन वी नीड अनबैलेंस फोर्स. एंड द चेंज इन इट्स स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, और ये चेंज तब तक रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स लगता रहेगा. हाउएवर इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड कम्प्लीटली द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव द वेलोसिटी इट हैज़ अक्वायर्ड टिल देन. अगर हम इस फोर्स को पूरी तरीके से हटा दें, पूरे तरीके से मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी और जो पुशिंग फोर्स लग रहा है वो भी, तो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जितनी वेलोसिटी वो अटेन कर चुका है. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो कॉन्टिन्यूसली इसकी स्पीड बढ़ रही है, 11 हो रही है, 12 हो रही है, 13 हो रही है, अब हमने फोर्स को रोक दिया 13 पे तो अब वो 13 से मूव करेगा, ठीक है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. There are 3 laws of motion, first, second and third law. In this video we will do till here. Thank you. If you like this video, subscribe my channel and like it.